प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। मैं जिस प्यार जिस चने से आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे वीडियो कर रहे हैं, चने दे रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ। प्रतिदिन आप लोग के नई नई फरमाइश आ रही है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग के फरमाइश को पूरा करूँ। मेरा मोबाइल नंबर प्रत्येक वीडियो में है और डिस्क्रिप्शन में भी है, परंतु आपके सुविधा के लिए एक बार मैं बोल देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425301111। दोस्तों, कई सौ मित्रों का फरमाइश आया है, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था कि केतु किन किन भाव में अच्छा होता है। मेरे मित्रों का, आप लोगों का, मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करने वालों का फरमाइश आया है कि केतु किन किन भाव में अधिक खराब होता है। ये वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसको बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे, इसका आनंद लेंगे कि केतु किन किन भाव में अधिक खराब होता है, आपको अधिक नुकसान करता है, क्षति करता है। कृपया इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। जिसके कुंडली में लग्न का केतु है, उस सज्जन का मानसिकता, स्वास्थ्य, कार्य करने की क्षमता सही नहीं रहती है। ऐसे लोग जीवन में शंकित रहा करते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में केतु बैठा हो, दोस्तों, तीसरे भाव का केतु नीच का हो जाता है। तीसरे भाव में केतु बैठा हुआ है, ऐसे कुंडली वाले माता पिता से इनके विचार मेल नहीं खाते हैं, भाई बंधुओं से विचार मेल नहीं खाते हैं। ऐसे लोग पारिवारिक जमीन जायदाद के लिए केस मुकदमा लड़ते हैं और इनका कुटुंब भाई रिश्तेदारों से संबंध अच्छा नहीं रहता। जिसके कुंडली में चौथे भाव में केतु बैठा हो, ऐसे लोग जीवन में सुख शांति नहीं पाते हैं। ऐसे कुंडली वाले संघर्ष इनका जीवन व्यतीत होता है, किसी कार्य में पूर्ण सफल नहीं होते हैं, आर्थिक समस्याओं से जूझे रहते हैं, व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन से भी जूझे रहते हैं। जिसके कुंडली में सातवें भाव में केतु बैठा हुआ हो, लड़का लड़की हैं तो शादी में, तो कुंवारे हैं तो शादी विवाह में रुकावट लाता है, शादीशुदा हैं तो इनका पारिवारिक जीवन ठीक नहीं रहता है। महिला हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, इनका पारिवारिक जीवन सही नहीं रहता है, तलाक की समस्या बनती है, स्वास्थ्य में गड़बड़ी लाता है और विवादाग्रस्त पारिवारिक जीवन रहता है। जिसके कुंडली में मकर राशि का केतु बैठा हो, ऐसे लोग जीवन में कितना ही परिश्रम करते हैं, इनका भाग्य उदय नहीं होता है, सफल नहीं हो पाते हैं, संघर्ष में रहते हैं, कर्जदार बन जाते हैं, नौकरी बेरोजगार हैं तो जल्दी नौकरी नहीं मिलता है, नौकरी अगर किन्हीं ग्रहों के सहयोग से मिला है तो उन्नति नहीं होती है, अधिकारियों से विवाद होता है और इनकी इज्जत प्रतिष्ठा पर हमला होता है, कर्जदार हो जाया करते हैं। दोस्तों, जिसके भी कुंडली में दसवें भाव में केतु है, वो होशियार रहें, समझें, एक ग्रह एक भाव और रह गया है दोस्तों, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वो है केतु किसी के कुंडली में आठवें भाव में हो तो ऐसे लोगों का अल्प आयु की संभावना बनती है, स्वास्थ्य में गड़बड़ी आता है, ऐसे लोग बीपी उदर रोग से पीड़ित रहते हैं, ऐसे लोग दिमागी पीड़ित रहते हैं और आँख संबंधी विकार होता है। ये छोटा सा वीडियो किन किन भाव में केतु अधिक खराब होता है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए और
अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप हमारे मोबाइल पर संपर्क करिए, मैं सहयोग आपको करूंगा, पूरा सहयोग करूंगा। इतना कहते हुए वीडियो समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार।